आज की इस वीडियो में पिक्सर ऐप से ऑयल पेंट फेस एडिटिंग करेंगे, तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखना तो पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पिक्सर ऐप के अंदर फोटो को ऐड कर लेना है। ऐड करते ही आपको दो नंबर पे टूल्स वाला का ऑप्शन दिखेगा, इस पे जाके एडजस्ट वाला जो ऑप्शन आएगा इस पे चले जाना है। जाने के बाद इधर पहले रहेगा ब्राइटनेस, ब्राइटनेस को आपको इंक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। तो इसको 24 रख लेते हैं और कॉन्ट्रेस्ट को इधर से थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देते हैं, तो इसको -11 रख लेते हैं। फिर इधर से इसका सेचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, तो -13 रख लेते हैं इसको, और हाईलाइट को इधर से थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे तो 26 रख लेते हैं, और शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे 13 तक, ठीक है। फिर आपको इरेज वाला ऑप्शन देगा इधर, इस पे जाके इसको इन्वर्ट कर लेना है, और रिस्टोर वाला ऑप्शन पे जाके शेडिंग को कुछ इस तरह से रखिए और आपको इसको इधर से रिस्टोर कर लेना है। तो इस वाले स्टेप को अच्छे से कर लेने के बाद आपको जाना है इफेक्ट वाला ऑप्शन पे, और इधर आते ही आपको नीचे में बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, इसमें से आपको ब्लर वाला सिलेक्ट करना है। तो मेरा पहले से सिलेक्ट है इधर, इधर एक रहेगा इफेक्ट जिसका नाम रहेगा लेंस ब्लर, इसको सिंपली सिलेक्ट करना है और इसका एड्रेस पे जाके इसका लाइटनेस को एकदम 0 पे सेट कर देना है, और रेडियस को रखना है 9 के आसपास, ठीक है। तो 9 ही रख लेते हैं, और इरेज वाला ऑप्शन पे जाके इसको इन्वर्ट कर लेना है, और सेम प्रोसेस करके रिस्टोर वाला ऑप्शन पे जाके इसको इधर से रिकवर करना है। तो ये देख सकते हो ये एक पिंपल है इधर, तो इससे क्या होता है ये सब स्मूथ जैसा हो जाता है, फोटो में जो पिंपल्स रहता है सब गायब होता है इससे। ठीक है, तो ये स्टेप हो जाने के बाद आपको इधर से जाना है रिटच वाला जो ऑप्शन रहेगा इधर, इस पर चले जाना है। जाने के बाद इधर आपको दिखेगा स्मूथ वाला एक ऑप्शन, ठीक है, इस पर जाके तो पहले थोड़ा लोडिंग लेता है नेट ऑन रहने से, तो इधर अभी तो मेरा नेट ऑफ ही है, तो आपको मैनुअली वाला जो ऑप्शन रहेगा इस पर चले जाना है, ठीक है। जाने के बाद इधर स्किन पर अप्लाई करते रहना है, एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ, तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो देख सकते हो धीरे धीरे ये गायब हो जा रहा है इधर से, इस तरह से आपको जो जो डार्क साइकिल इधर है सब कुछ इधर से एक साथ कर देगा ये वाला ऑप्शन, बहुत ही कमाल का है। आपको इसको धीरे धीरे से अप्लाई कर लेना है आपके फेस के अंदर। फिर ये वाला स्टेप हो जाने के बाद आपको जाना है इधर से स्किन टोन नाम का जो ऑप्शन रहेगा इस पर, और इस पर आने के बाद आपको कलर वाला ऑप्शन पर जाना है, और इधर से व्हाइट वाला सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग को कुछ इस तरह से रखना है, रखने के बाद आपके जो फोटो का जो फेस है इधर उसको, एक सेकेंड दिखाता हूँ मैं, तो इस वाले स्टेप को अप्लाई करने के बाद आप लोग देख ही सकते हो कि फ़ोटो में कितना ज़्यादा पहले से और अब का डिफरेंस इधर आ चुका है। तो ये था पहले का हमारा फेस ये हुआ एडिटिंग के बाद। तो अभी आप लोग चाहो तो लिप्स पे भी थोड़ा बहुत कलर इधर से दे सकते हो, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर से आप लोग को जाना है स्किन टोन के अंदर, और इधर से आपको रेड कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।